और ये है तुम्हारा कमरा। वाओ, नाइस हाउस। तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है। Yeah, actually, it's just like a huge palace. तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हें इतना रिच ससुराल मिला है। थैंक यू। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? कौन? अच्छा, उसे तो मैंने छोड़ दिया। क्या? हाँ, मैं हर महीने अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती हूँ और किसी महीने दो चेंज करती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं। ये तो बताओ कि वो मैचो मैन है या चंपू टाइप नॉर्मल हस्बैंड की तरह है, कैसे है वो बताओ ना। Of course, very handsome. Wow! अच्छा, really? तो फिर है कहाँ पर? अच्छा, एटलीस्ट फोटोग्राफ तो होगी ना, वो तो दिखाओ। एक मिनट। Oh my God! Wow! अच्छा, मुझे भी दिखाओ। Wow! तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम है। You are really very lucky. हाँ, एकदम सुपरस्टार की तरह लगता है। Well, अपने पति को मुझसे थोड़ा संभाल के रखना। बाद में मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था। तुम तो उनसे दूर ही रहना। अच्छा, इतनी पोजेसिव? हाँ, होना ही पड़ेगा। तुमने अपने मुंह से अपनी तारीफ जो कर दी है। अच्छा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे फातिमा भी को हेल्प करती हूँ। हाँ? अच्छा, इस फोटो की नजर उतार लेना, कहीं हम दोनों की नजर ना लग जाए। तुम्हारी। लो, चाय भी आ गई। और बताओ, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत ही अच्छी। तुम जूस तो पियो। थैंक यू। एक बात बताओ, तुम्हें गर्मी नहीं लगती ये सब पहनकर? निशा, सॉरी। Can I join you girls? नहीं। तुम यहाँ बैठकर लड़कियों की बातें सुनोगे क्या? अरे, हम लोग ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं जो अंबर नहीं सुन सकता? अंबर, आओ ना, बैठो ना। कम। Thanks, Nikita. I'm sorry, Nikki. Okay, आप लोग तो अमेरिका में रहते हैं, तो क्या इंडिया आपको बोर नहीं लगता? Not at all, you know. Actually, India is so different. Indian culture, sweets, yoga, classical music. I love all that. ये सारी चीजें अमेरिका में थोड़ी मिलती है। बाहर से यू लुक लाइक अमेरिकन, पर अंदर से इंडियन। अब इसी को तो कहते हैं रियल ब्यूटी। बाहर से मॉडर्न और अंदर से पुराने संस्कारों से जुड़ी हुई। So you mean to say that I'm a real beauty, huh? Of course. Thank you so much. मुझे तो पता ही नहीं था। गुंजन, गुंजन। जी अम्मी, आई। जरा जल्दी आओ। जब तक अंबर इसे चिपका रहेगा, मैं कैसे आ सकती हूँ अम्मी? अंबर, तुम्हें कहीं जाना नहीं है आज? अब नहीं तो क्यों? वो रोज तो तुम नाश्ते के तुरंत बाद चले जाते हो ना, इसलिए। अरे, हम भी तो बहुत देर से बैठे हुए। सर, आपने हबी को बुलाओ तो सही, उन्हें बोलो कि कोई उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये लो, कॉल मिलाओ। हाँ, वो आते ही होंगे, किसी काम में फंस गए होंगे। तब तो उन्हें फोन करके याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ये लो, कॉल। अरे, वो आ जाएंगे ना, इस पर फोन करने की क्या जरूरत है? अरे, तुम किसी टिपिकल इंडियन बहू के जैसे क्यों बात कर रही हो? तुम तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम अपने हस्बैंड को नहीं बल्कि किसी अनजान आदमी को फोन कर रही हो। हियर, कॉल हिम राइट नाउ। हाँ, अब तक तो अनजान ही है मुझसे। टेक दिस ना, गिव हिम अ कॉल। भाई राजा तो आ गए। ये हमारे भाई राजा, नीलिमा जी के पतिदेव। हाँ भाई राजा, ये है नीलिमा भाभी की बेस्ट फ्रेंड निशा जी, अमेरिका से, और ये उनकी छोटी बहन निकिता। क्या हुआ? अभी तक तो आप भाई राजा से मिलने के लिए बेचैन थी, अब जब ये आ गए हैं तो आप चुपचाप खड़ी हुई हैं। हाय, आई एम निशा। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्षमा चाहता हूँ, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। आप तब तक आराम करिए ना। आप थकी भी होंगी, बाद में बात करेंगे। अंबर। जी भाई राजा। जरा कमरे में आना, जरूरी काम है। जी क्या तुमने शादी करने से पहले इन्हें देखा नहीं था क्या? बिल्कुल बिल्कुल देहाती लोग हैं इनका। और तुमने इन्हें कपड़े पहनना भी नहीं सिखाया? Yeah, actually, his clothes are just so old-fashioned, you know. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछली इंडिया में आ गई हूँ। This is the 21st century, and I think one should go with the time, don't you think? देखो नीलिमा, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ ना, इसलिए मुझे जो फील हुआ, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें इतने साल हो गए ना अमेरिका में, इसलिए इंडियन फील भूल गई हूँ। मेरे लिए तो ये सबसे अलग है। Right. अलग is the right word. वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और तुम कहती हो कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। और बालों में इतना तेल जैसे किसी तेल की मिल से निकल के आए हुए हो। तुमने तो कहा था कि ये रियल लाइफ के हीरो हैं, लेकिन ये तो किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के हीरो लगते हैं, और वो भी फ्लॉप फिल्म। तुम पागल हो गई हो। पागल हम नहीं नीलिमा, पागल तुम हो गई हो। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि आई एम श्योर तुम इससे अच्छा पति डिजर्व करती हो, बस। तुम्हें क्या लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा प्यार है। ठीक है नीलिमा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें जाना है। अरे अभी तो तुम दोनों आई हो, आराम कर लो, उसके बाद चली जाना। हम बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। ओके, बाय बाय बाय। पागल है दोनों। I hope we're not very late. No? हमने अपनी आंखों से देख लिया है, नीलिमा ने बहुत बड़ी गलती की है उस गवार बलराज से शादी करके। सीरियसली, सबके सब गवार है, पूरी फैमिली गवार है। That stupid फातिमा भी, वो गवार गुंजन, और वो दो शब्द इंग्लिश में बोलकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने वाला अंबर। अरे फैमिली थोड़ी ना है, सर्कस है सर्कस। सच, हम तो देखकर ही अपसेट हो गए। पता नहीं नीलिमा उस सर्कस में कैसे रह रही है। बट यू डोंट वरी, हम हैं ना, एंड वी प्रॉमिस कि उस फैमिली में, स्पेशली नीलिमा और बलराज के बीच में, इतना जहर भरेंगे ना कि नीलिमा वापस आने पर मजबूर हो जाएगी। आप देखिएगा। और नीलिमा को वापस लाने का हमारा प्लान सक्सेसफुल होकर रहेगा। आपने हमें उस घर में जिस मकसद से भेजा था, वो मकसद पूरा होकर रहेगा। कुछ भी करके, कैसे भी, नीलिमा को उस नर्क से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। डोंट वरी दादी, हम हैं ना, हम 100% कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, क्या? नीलिमा खुद वो बलराज से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। शी इज मैडली इन लव विद हिम। वो बलराज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। नीलिमा को बलराज के खिलाफ करना इम्पॉसिबल है। लेकिन बलराज को नीलिमा के खिलाफ भड़काना बहुत आसान है। सीधा वार बलराज पे करो। लेकिन वो कैसे? भाभी, आज तो कितना सारा खाना बनाया आपने। पर ये उबला हुआ खाना किसके लिए है? निशा के लिए। उसे ऑयल, मतलब लो कैल फूड पसंद है ना। और ये मसालेदार खाना निकिता के लिए, उसे इंडियन खाना बहुत पसंद है। दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों के खाने की चॉइसेस बहुत अलग है। अच्छा ही है ना भाभी, उन दोनों की वजह से हमें कितनी सारी वैरायटी मिल रही है खाने को। दो अलग अलग टेस्ट मिल जाएंगे। अरे सैलेड लाना तो भूल ही गई। या अल्लाह, उन दोनों के आने से पहले ये अंबर घर से चला जाए। अगर इसने उनको देख लिया तो फिर से चिपक जाएगा उनसे। अंबर, हाँ? आज कोई पार्टी नहीं है? नहीं, आज मेरा जाने का मूड ही नहीं था। मुझे सब पता है क्यों मूड नहीं है तुम्हारा। तूने कुछ कहा गुंजन? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि रोज तो तुम दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हो, आज नहीं जाओगे तो दोस्तों को बुरा नहीं लगेगा? उनको बुरा लगता है, लगने दो। अंबर को जो अच्छा लगता है अंबर वही करता है। नहीं अंबर, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह दोस्तों का दिल नहीं दुखाते। तुम्हें ना पार्टी में बिल्कुल जाना चाहिए। वैसे तुम्हें मेरे दोस्तों की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। काफी देर कर दी आपने। या हम लोग आप दोनों की वेट कर रहे थे। चलिए खाना साथ में खाते हैं। या श्योर। चलिए। हाँ। नीलिमा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, सिट डाउन। ये आ जाए फिर। माय गॉड। नीलिमा रुको। सही कहते हैं कि शादी के बाद लोग एकदम बदल जाते हैं। अब देखो ना, नीलिमा की बचपन की फ्रेंड मैं हूँ और जीजू के साथ रिश्ता जुड़े 4 दिन नहीं हुए, लेकिन पहले जीजू को ही सर्व किया जा रहा है। निशा, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। नहीं नीलिमा, अतिथि देवो भवा। हमारे देश में मेहमान को भगवान मानते हैं। खाना पहले उनको परोसो। थैंक यू। जीजू, क्या कर रहे हैं आप? जीजू ऐसे कैसे गवारों की तरह खा रहे हैं आप? ये स्पून ले लीजिए।